मेरा भी नाम MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। नागपुर के कलमनाम में निखिल लोखंडे हत्याकांड में 3 आरोपियों को मिली 4 दिन की पुलिस हिरासत। ओल्ड रोड कामठी पर स्थित अमन लॉन में आयोजित विवाह समारोह में हुए विवाद के चलते निखिल लोखंडे की हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। आरोपियों में मनोज सोनी, शुभम सोनी और राहुल भाटी का समावेश है। वही दूसरी खबर सामने आ रही है, नागपुर सक्करदरा थाना अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले सोमवारी क्वार्टर निवासी आरोपी कार्तिक उमेश चौबे को महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत 2 साल के लिए तड़ीपार किए जाने का आदेश दिया गया। आरोपी को वर्धा के इतवारा बाजार पुलिस चौकी के बाजू स्थित शंकर खोबरागड़े के यहाँ छोड़ा गया। इस दौरान आरोपी पुलिस थाना अंतर्गत दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, नागपुर में पतंग उड़ाते समय 6 से गिरे व्यक्ति की हुई मौत। मृतक का नाम भीम चौक इतवारी मिर्ची बाजार निवासी अजय रामा ठोके बताया जा रहा है। पतंग के चक्कर में ध्यान नहीं रहा और संतुलन बिगड़ जाने से वह नीचे गिर पड़े। वहीं उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।